तो आज तो कोई सूंगड़ो भी बैठो तो वी को भी बैठो, तो हाथ सीधा खड़ा करो, नहीं पता सूंग क्यों, सूंगड़ो क्यों रखो यहाँ पे आगे, तो सूंगड़ा निकालो। सतगुरु देव की, वाह भाई भगवान, दो जगह अच्छी बना रखी, सत्संग सीमा और शमशान घाट, दो जगह पे आनंद है, बाकी सब जगह तपती। हाथ खड़ा करो, नहीं आज तपती थोड़ी है। बोलो बेणा तेरे लाल की, इस जगह पे बैठे हैं किसी के भी तपती और अटल उठे फाची तपती चालू, तो हाथ खड़ा करो, नहीं चालू रखो क्यों, परमात्मा की कैसेट 24 घंटे चालू रहनी चाहिए ताकि दूसरी कैसेट चलेगी भी नहीं। तो हाथ सीधा खड़ा करो, नहीं भजन नहीं तो बचे, अंत्यकरण से जुड़ोगे जब कैसेट चालू होगी। नहीं बोलो बिना दे लाल की, सत्संग सीमा यहाँ पे जब तक बैठे हैं परम आनंद की प्राप्ति होती है। कुंभ चले जाओ तो वहां कोई आपको पूछने वाला नहीं कुंभ में, लेकिन इस जगह पे किसी ने चाय नहीं पी तो चाय पी लो, सर्दी लगे तो रजाई ओढ़ लो, भोजन नहीं पाई हो तो भोजन पा लो, चाय पीनी हो तो चाय पी लो, फोगड़ी फिरी है। और उस जगह पे कोई पूछने वाला तो वो कुंभ बड़ा या ये कुंभ बड़ा, तो हाथ सीधा खड़ा क्यों नहीं कर रहे हो आप, कुंभ में बैठे हो विचार करिए आप। बोलो अपने अपने मात पिता गुरुदेव की, ये श्रद्धा और विश्वास की जाजम है, किसकी श्रद्धा और विश्वास है तो बाबा रामदेव जी जरूर है, और विश्वास नहीं है रूने जे पैदल चले जाओ तो भी बाबू, और विश्वास है तो हाजरा, तो आज तो बाबू हटे, बाबू हटे है तो हाथ खड़ा करो, नहीं फिर बाबू है जो भी तो गाड़ी चालू है, गाड़ी चालू है, ये तो पिंचर हो जाती है। बोलो मेरा तेरे लाल की, तो सत्संग सीमा और शमशान घाट वो भी बढ़िया जगह है, कोई गांव को बढ़िया आदमी मर गयो तो मुसाना में हेरा दे देर बात करा, भलो आदमी हो काले मारे साथे बीज के साथे बाबा के दरबार में भोजन पायो आज फूट के लिए हो, सज्जन आदमी हो गांव के वास्ते आधी रात का तैयार, छोटा टापर के वास्ते आधी रात का तैयार, भलो आदमी हो आज फूट के लिए हो, भलो आदमी हो। थोड़ी देर बाद में के दीतवार ने मरतो तो ऑफिस की तो छुट्टी रहती, आज को आज ही मरियो बेटो, लो बोलो मरे तो थारी छुट्टी देखकर मरे जाते हैं। सजनों ग्रहण नहीं करते हैं, उम्र निकाल देते हैं, आज एक लो पूरी पाकी भीगी है, भीगी नहीं भीगी ठीक है भी एक भी काढ़ो, तो हाथ खड़ा करो, नहीं फजो ट्रैक्टर तो पुराना था तो आज नहीं हो, सतगुरु देव की यही जना तो इस सफेदी के ऊपर भी काला कर ले वे, मगर धूल सिंह जी ने देख लो बोले जाने कोई कोयला की खान मुंह निकले हो। अरे सजनों ये बढ़िया एकदम ऐसी गाड़ी को क्यों काली करते हो, है ना है ना है ना, हाँ हाँ, कहने का मतलब इस कुदरत को चैलेंज दे रहे हैं, है ना, तो आपको मेरी हाथ जोड़ की प्रार्थना, इस सीमा में जब तक बैठे हो, जब तक प्रसन्नचित मन से कोई अच्छी चीज हो तो इसको अंदर उतारो, लेकिन उतारा तो गला तक ही राखा, मैंने नहीं उतारा, फाची उखड़ा मैंने उतर गया हो तो बेड़ो, हाथ खड़ा करो, नहीं आज तो महीने उतारो, नहीं बोलो बोलो अपने अपने मात पिता गुरुदेव की, अंदर उतरेगी तो बेटा, अंदर क्या भरा हुआ है, विकार, अंदर इतना विकार है, गाय चारों खावे 2 रुपया किलो को और फोटो करे 4 रुपया किलो, चारों खावे 2 रुपया किलो को और फोटो करे 4 रुपया किलो को, और आदमी धान खावे 20 रुपया किलो को और मोटो फोटो कर दियो हुए तो सब जना मैदान खाली करे रे राम, अरे होटो होटो राम राम फोटो कर दियो मोटो हरो रे राम हो गए लुवाड़ हो कर दियो रे, और आदमी को तो फोटो ही घड़ो पास
हाथ खड़ा करो नहीं फजे, शुद्ध गरबा के पास नहीं तो बैठे हटो, फोटो पास से करो जी। ऐसे संतों का संग करेंगे तो ये अंत्यकरण शुद्ध होगा, नहीं तो शुद्ध होने वाला किसके अंदर विकार है। बढ़िया चीज डालो तो ही घटिया सामग्री निकलेगी, काजू की कतली डालो तो ही फोटो बासे नहीं बासे। तो हाथ सीधा खड़ा क्यों नहीं करो, बोलो मैना तेरे लाल की। और मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, अगर आप भजन भी नहीं करते हो, सत्संग भी नहीं करते हो, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, लेकिन अपनी नेत्र ज्योति पवित्र होनी चाहिए। नेत्र ज्योति पवित्र है तो भी भजन करने की जरूरत नहीं है। तो हाथ खड़ा करो नहीं बचे, आज अगर अवगुण हो तो आज अटे बाबा का त्याग कर दो, जाजम के अगर पौरुष में खराबी है तो यहाँ पे त्याग कर दो, आपका सत्संग का आना सार्थक हो जाएगा और पूरा हिंदुस्तान सुखी हो जाएगा। जिस दिन पूरे हिंदुस्तान की नेत्र ज्योति पवित्र हो जाएगी, जिस दिन बेड़ा पार, तो आप लोग तो बेड़ो पार करो, हाथ खड़ा करके। अरे मारे घर में चाहिए गरीबी, पकड़ काटी दे छोटो, अरे मारे घर में चाहिए गरीबी, पकड़ काटी दे छोटो, अरे घुमा दे मारा बालाजी कमर कमर धोता, लग जाता है और भगवान श्री राम रुदन कर रहे हैं
और बाबा जी से कह रहे हैं देखो लक्ष्मण जी के वियोग में रो रहे हैं और हनुमान जी को याद कर रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, आलो टिके आजा हनुमान जी महाराज सभी पुत्र बोल रहे हैं।
Yeah.